आज मैं मूंग की दाल बना रही हूँ। 250 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। ये थोड़े से मेथी के दाने इसमें डाल रही हूँ। और ये देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून चिल्ली ली है, आधा टी स्पून हल्दी है और धनिया भी 1 टेबलस्पून लिया और नमक भी। थोड़े से ये दाने रेड हो जाएं तो फिर मैं मसाले डाल के भूनती हूँ। देखिए, मेथी के दाने हो गए हैं। अब बाकी के सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मसाले जले नहीं। ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट है और थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को मैं भून लेती हूँ। देखिए, मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब ये इसमें मैं दाल डाल रही हूँ। सारी दाल इसमें डाल देती हूँ। अब दाल को थोड़ा सा मैं इसमें अच्छी तरह से मसालों में भून लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए, दाल थोड़ी भुन चुकी है और थोड़ा सा ऑयल भी आ गया ऊपर। अब इसमें मैं पानी डाल के इसको पकने के लिए रखूँगी। 10 मिनट के अंदर ये दाल पक जाती है अच्छी। बहुत थोड़ा पानी इसमें चाहिए। अब ये थोड़ा खोल जाए तो मैं हल्की आंच करके इसको पकने के लिए रख दूँगी। देखिए, पानी अच्छी तरह से खोल गया है। अब मीडियम फ्लेम पे मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। देखिए, दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसका तड़का मैं तैयार कर लेती हूँ। देखिए, ये 3 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया और इसमें ये आधी प्याज है, इसको डाल के गोल्डन कर लेती हूँ। देखिए, प्याज बिल्कुल अच्छी गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें इसको तड़का लगा रही हूँ। सारी प्याज भी इसमें डाल दीजिए हर तरफ अच्छे तरीके से। चलिए, ये मूंग की दाल तैयार है। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।